through your eyes. Oh my god. Good पूछो जरा इस दिल से, गजब का ये सोचो जरा, कसम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मज़ा काफ़ी आ गया। अभी न्यूट्रिशन जो है ना, वो चैप्टर 16 है कम्युनिटी मेडिसिन का। लास्ट वीडियो में ना हमने जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है ना, इसको हमने सारे का सारा जो है वो डिस्कस किया था। होपफुली कुछ ना कुछ आप आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, इसके ऊपर हमारा पूरे का पूरा फोकस है कि इसको अभी ना हम कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन में जो ना, आपने बायोकेम के अंदर जो है ना वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा, ठीक है। फिर आपने फिजियो के अंदर भी एक विटामिन वाला चैप्टर था ना लास्ट वाला, स्पोर्ट फिजियोलॉजी और उसके साथ था। तो अभी जो है ना न्यूट्रिशन, आपको पता है कि साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। जो आप खुराक खाते हैं उसका जो हेल्थ के साथ ताल्लुक़ है ना, वो सारे का सारा न्यूट्रिशन के साथ मुंसलिक होता है। अब जो है ना, अच्छी खुराक अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाती है, अनटिल या आपके काम अच्छे हों ना, तो फिर ही अच्छी खुराक असर करती है। वरना अच्छी खुराक भी जो है ना, वो फिर बुरी साबित हो सकती है अगर काम अच्छे ना हो बंदे के। फूड बेसिकली क्या है? ये सब्सटेंस है दैट लिविंग बीइंग ईट टू स्टेट द हंगर, अपनी भूख को जो है ना वो तसल्ली देने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ हम खाते हैं फूड कहलाती है। बर्गर खा लिया, हर चीज़ फूड ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्या है? देखो, इनको मुख्तलिफ वेज़ के अंदर ना फूड को क्लासिफाई किया हुआ। एक जो है ना, ओरिजिन कहाँ से हम लेते हैं, या तो हमारे पास वो प्लांट सोर्स होता है या फिर एनिमल सोर्स होता है। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है केमिकल कंपोजिशन में। अब कोई प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, या तो वो प्रोटीन होगी, गोश्त होगा, या फैट होगा, चर्बी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होगी, नशास्ता इसे कहते हैं ना, विटामिन होंगे या मिनरल होंगे। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन आ गई, बिल्कुल ईजी है। फिर क्लासिफिकेशन प्री डोमिनेट फंक्शंस के ऊपर ना, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नंबर सेकंड पे एनर्जी गिविंग फूड्स, फिर प्रोटेक्टिव फूड्स। देखो, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, अगर कोई आप में से जिम जाता हो ना, तो आपको वो रिकमेंड करते हैं कि आपने ना अंडे खाने हैं, प्रोटीन रिच डाइट खानी है, ठीक है, दूध पीना है, आयरन वाली चीज़ें आम शाम खाएँ, ठीक है। जो जिम जाते हैं उन्हें पता होगा सारे का सारा ना। तो वो देखो, मिल्क, मीट, पोल्ट्री, फिश, चिकन, बॉयल्ड एग, बॉयल्ड चिकन, बॉयल्ड मीट बहुत ज़्यादा आती है। जबकि एनर्जी गिविंग, अब आपने जो है ना प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, आपको एनर्जी तो चाहिए ना, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, सीरियल्स, दालें, शुगर, चीनी, रूट्स, ठीक है, या ट्यूबर्स, या फिर इस तरह की जो शकरकंदी वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें, या फैट्स जो आदि। प्रोटेक्टिव में क्या आती हैं, इसमें फ्रूट्स आते हैं, मिल्क होते हैं, और वेजिटेबल्स आ जाती हैं। सही हो गया, ईजी हो गया ना। फिर क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यूज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज यार, वो भी रिस्क कमाने के लिए आए हुए हैं। अब क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के अंदर जो है ना, वो हमारे पास कुछ सीरियल्स होते हैं, ठीक है, फिर पल्सेस होती हैं, मूंगफली वगैरह, वेजिटेबल, नट्स, ऑयल्स, फ्रूट्स, एनिमल फैट, शुगर, और इसके अलावा। अब हम आ जाते हैं, हालत देखो मेरी यार, किताब का क्या हाल करता है, इसे करवाते हैं बाइंडिंग। न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेज है, सही है, कंटेन इन द फूड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ द फूड एंड प्रोटेक्टिव बॉडी फ्रॉम द डिसऑर्डर। न्यूट्रिशन आपको बीमारियों से बचाते हैं, डिसऑर्डर से बचाते हैं, आपकी बॉडी को पूरा फंक्शन करने को देते हैं। 50 काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है। 50 रुपये आपको अगर मैं दूँ
तो उसी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने जैसे एमसीक्यूज के लिए बताया। अच्छा, अब कुछ होते हैं हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और कुछ होते हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे पास मैक्रो बड़े हैं ना, वो प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स हैं, ठीक है। तो ऑफन कॉल्ड एज प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल बिकॉज दे फॉर्म दी मेन बल्क ऑफ द फूड। आप कोई भी चीज़ ले लें ना, तो मेन बल्क उसके अंदर या तो आपकी वो जो है ना वो गोश्त होगा, फैट होगा, ये आलू वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, यही है ना। तो ये हॉस्टल वाले जो है ना, ये बड़े तंग होते हैं अमूमन, ये आलू गोश्त, आलू हर चीज़ में आलू आलू लगा होता है ना, वो इस वजह से वो ज़्यादा जानते होंगे। अच्छा, तो प्रोटीन ऑलमोस्ट 7 to 15% होनी चाहिए, फैट 10 to 13%, और कार्ब सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे डेली इंटेक में हम क्या कहते हैं फ्राइज़ वगैरह खा लिए, तो ये 60 to 70% होती हैं। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास फैट्स आती हैं, और फिर 7 to 15% कुछ प्रोटीन आ जाती हैं। ये वैल्यू याद रखनी है आपने। माइक्रो मतलब जो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, जिस तरह विटामिन और मिनरल हो गए, हमें थोड़े थोड़े ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। अब इनके अंदर जो है ना वो हमारे पास वेरी करते हैं, मिलीग्राम से सेवरल मिलीग्राम के अंदर जो है ना वो होता है। ये था हमारे पास ग्राम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो परसेंटेज में हमने की है ना कैलकुलेट, तो वो एटलीस्ट आ जाए, जबकि ये मिलीग्राम के अंदर आएगा। फिर डाइट्री फाइबर्स क्या हैं? नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड सेलुलोज विच आर एसेंशियल टू मेक दी बल्क ऑफ दी फीसिस, ठीक है। अब ये जो है ना, इनका एज सच जो है ना वो बॉडी के अंदर रोल नहीं है, लेकिन ये कब्ज़ कुशा, एक चीज़ आपने नाम सुनी होगी ना, ठीक है, वो होती हैं चीज़ें जो स्टूल जो है ना उसको बल्क करते हैं और उसको इजीली जो है ना वो रिमूव करवाते हैं बॉडी से। तो ये इंपॉर्टेंट कंसीडर इंपॉर्टेंट एंटाइटी इन फूड हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर जो होते हैं ना ये ज़रूरी होते हैं, माइक्रो फ्लोरा इन ह्यूमन, ठीक है। अब ये जो है ना फाइबर्स, कुछ बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको शायद डिग्रेड कर करके ना वो फिर कुछ गैसेस प्रोडक्शन और वो सारे का सारा। अच्छा, टाइप्स कौन कौन सी हैं डाइट्री फाइबर्स की? अकॉर्डिंग टू सोर्स, सीरियल से, वेजिटेबल से या फ्रूट से, ठीक है। सोलुबिलिटी में कुछ सोलुबल होते हैं, कुछ इनसोलुबल होते हैं। डिजीज ड्यू टू, अगर हम ना करें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्रोनिक कैंसर हो सकता है, अपेंडाइटिस हो सकता है, गॉल स्टोन होता है, एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, और क्रोनिक हार्ट डिजीज जो है ना ये सारे का सारा हो सकता है। ईजी है, ओके जी। अब जो है ना इसके सोर्सेज क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमारे पास होते हैं ब्रेड, पोटैटोस, फ्रूट्स, वेजिटेबल। फंक्शन क्या है, ये ना बाउल मूवमेंट करवानी होती है इसने, ठीक है, अब्जॉर्बिंग दी वाटर, इंक्रीजिंग दी बल्क स्टूल, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट होता है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वेट रिडक्शन, जिन लोगों ने वेट कम करना होता है उन्हें हम कहते हैं कि आप सेलुल जितनी फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, पालक हो गया और इस तरह की ना ग्रीन वेजिटेबल वाली चीज़ें और इस तरह। फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जो है रिस्क कम करते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो एट दी एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कम, रिड्यूस पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है इसको भी ये कंट्रोल कहीं ना कहीं कर देता है। फिर हमारे पास आता है डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 40 ग्राम पर 200 किलो कैलोरीज, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आपको 40 रुपए में आपने शकरकंदी खाते हैं ना, तो वहाँ ही शकरकंदी से फाइबर याद कर लो, मैंने ये यूँ याद किया हुआ था, ठीक है भाई। यहाँ मैं फजूल से निमोनी के, बस आप इसको ताकि आप एमसीक्यूज अच्छे से पिक कर लें। अब आ जाता है एनर्जी वैल्यूज़, फूड इज़ ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जरूरी बात है। किलो कैलोरीज आर फूड कैलोरीज, मिली कैलोरीज फ्यूल वैल्यू ऑफ 1 ग्राम। अब देखो इसके अंदर एनर्जी वैल्यूज में, किलो कैलोरीज आर फूड कैलोरी में क्या होता है, इट इज़ यूनिट ऑफ द हीट फॉर मेजरिंग द एनर्जी प्रोड्यूस बाय फूड, ठीक है। जो हमने फूड से जो एनर्जी है ना वो प्रोड्यूस्ड हुई है, उसको हम मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ द 1000 टाइम्स ऑफ द कैलोरीज डिनोटेड बाई किलो कैलोरीज आर कैलोरी। ये मतलब आपने फिजिक्स वाला अगर आपने पढ़ा हो ना, फर्स्ट ईयर FSC का चैप्टर 11, ठीक है, उसके अंदर ये सारी की सारी ये डेफिनेशन सेम वो ही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मिली कैलोरीज में क्या होता है, रिक्वायर्ड 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री, मतलब ये मेरे पास 1 ग्राम वाटर है ना, इसको मैं नीचे से हीट दूँ, ठीक है, तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लाने के लिए 1 ग्राम पानी को, तो वो हमारे पास 1 मिली कैलोरीज होती है, सही है। अगर वही पानी अगर मेरे पास 1 किलोग्राम है, ठीक है, तो उसको जो एनर्जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए वो कितनी है, किलो कैलोरीज, सिंपल। फ्यूल वैल्यू में क्या है, डोनेट द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज ड्राइव्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ एनी फूड रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी 1 ग्राम हमने ये ना सपोज करें रोटी लिया, तो यहाँ से जितनी भी हमारे पास कैलोरीज निकलेंगी
और वो जिस्म को जाएंगी वो हमारा फ्यूल है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूल वैल्यू। ठीक है, तो व्हेन कम्प्लीटली मेटाबॉलाइज यानी फूड हो जाए, फ्यूल वैल्यू ऑफ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की 4 है, फैट 9 ग्राम है। ठीक है, मतलब जो ऑयली चीज़ें हैं वो ज़्यादा एनर्जी देती हैं, फैट ज़्यादा एनर्जी देता है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट। इसकी सिर्फ 4 कैलोरीज पर ग्राम है, जबकि ये 9 कैलोरीज है। ये बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।